जज साहब, ये आपकी प्रत्यक्ष जानकारी में है ही कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसका आगाज 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी स्वर्गारोह से हुआ। 3 को बेड़ेश्वर धाम, जो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, प्रयाग की तरह माना जाता है, त्रिवेणी महात्म, वहां से शुरुआत हुई। 4 तारीख को इसका आगाज हुआ रामदेवरा से, लोग आराध्य देवता रामदेव जी महाराज, और कल इसका आगाज गोगा बाड़ी के पवित्र स्थल। मैं संक्षेप में कहूँ तो लगभग ये यात्रा इन 4 दिशाओं से चलेगी, लगभग 9,000 किलोमीटर चलेगी, 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। एक यात्रा की अवधि लगभग 18 दिन है और उसमें 50 विधानसभा क्षेत्र में कवर करेगी। इस यात्रा से, क्योंकि चुनावी वर्ष है, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रमों को डिजाइन करता है, यात्राओं का भारतीय जनता पार्टी का एक गहरा जुड़ाव है। इस देश में जो बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई या धार्मिक जागरण हुआ, अडवाणी जी की श्री राम रथ यात्रा के जरिए एक बदलाव की शुरुआत हुई थी। उससे पहले आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनसंघ और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी तरीके की देशभर की अभिनव यात्राओं से देश में राजनीतिक तौर पर अलग जगाने का काम किया था। 2003 की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ने पहली बार वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव राजस्थान की राजनीति में हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों के बहुमत से आई। उसके बाद लगातार सुराज संकल्प, सुराज गौरव, और अब ये परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसका आगाज हुआ है और उसी निमित्त आप लोग के बीच आए हैं। चारों ही यात्राओं के शुरुआती तौर पर उनके स्थान स्थान पर अच्छा जन समर्थन मिला है। राजस्थान में आमतौर पर जो सत्ता बदलती है उसका एक बड़ा कारक 93-90 के बाद में जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन, जनता तय कर देती है। उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और बाकी इतर भी कारण होते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन इस बार भी उसी मिजाज से नजर आता है और उसका आधार भी मेरे पास में है। सत्ता बदलने का कारण जनधारणा, दूसरा बड़ा कारण होता है एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी आक्रोश लोगों में होता है। लेकिन केवल इस समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है, और रिजेंटमेंट के बहुत सारे कारण है। कहने को मुख्यमंत्री जी लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं, बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, लेकिन मुझे कई बार ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जिस महिला की अस्मत लूटी गई हो, 100 यूनिट बिजली फ्री, उसकी अस्मत कैसे लौटाएगी? 500 रुपए का फ्री सिलेंडर किसी कन्हैयालाल के घर की रोशनी को वापस चिराग को कैसे लाएगी? तो इस राजस्थान के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पहला मुद्दा जो हनुमानगढ़ की सभा में, जालौर की सभा में, अजमेर की सभा में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में कांग्रेस की सरकार आई और 10 दिन में 10 पे गिनती गिनेंगे, कर्जा माफ हो जाएगा। और यहाँ की आप लोगों की लिखी हुई हेडलाइन मैंने देखी थी कि सूरज चाहे छिप जाए, सूरज चाहे उगे न उगे, चंद्रमा छिप जाए तो भी हम कर्जा माफ करेंगे। राजस्थान में ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर वो जनधारणा पुष्ट होती है। 1700 दिन हो गए और राजस्थान के मेरे ही विधानसभा के जवाब के और हमारे दूसरे विधायक नरपत सिंह जी के जवाब की राजस्थान की सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्जा माफी न होने के कारण 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। आपके क्षेत्र के यहाँ से किसानों ने आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू किया था, सूर्यराम राधेश्याम से लेके और सोनलाल कडेला, इसने लाइव वीडियो जारी किया, उस समय की सुर्खियां बनी। उसने ये कहते हुए अपने आप को जिंदगी से खत्म कर लिया कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान की होती है। एक बात भी है, राजस्थान का जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है वो इस बात को सर्वे करती है और निरपेक्ष रूप से इसके आंकड़े कई बार लोग रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हैं। लगभग 28% बेरोजगारी उसमें उन्होंने साबित की है,
लेकिन बेरोजगारी से भी आगे बेरोजगारी भत्ता भी कई बार लगता होगा छोटा मुद्दा है, घोषणा तो उन्होंने की थी प्रत्येक स्नातक को देंगे, लेकिन उसका आंकड़ा भी 1,65,000 के आसपास पहुंचता है। उसमें भी कई बैरियर लगाते हैं कि उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, एड्रेस होगा, ये समय होगा, तो उसमें लोग गए ही क्योंकि लोग बाग पार्ट टाइम दूसरी नौकरी करते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो दंश था कोर्ट में खाद का काम किया पेपर लीक। राजस्थान की सरकार ने इसमें भी नंबर वन कमाया है और इस पेपर लीक ने 1,25,000,000 बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी। कुछ हो सकता है डुप्लीकेसी भी हो, डबलिंग भी हो, लेकिन एक एवरेज है कि 1,00,000 के लगभग बच्चों ने परीक्षाएं दी। सरकार का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते गिनाते 1,00,000 से आगे कभी नहीं गए। उन पेपर लीक के कारण यही की इसी जिले की घटना से मुझे एक अजीब सा विचित्र संयोग नजर आता है। किसान भी यही आत्महत्या करता है, नौजवान भी। कन्हैयालाल का सुसाइड नोट जिसमें लिखा था सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं करता हूँ, वो भी आपके नोट थे। तो पेपर लीक एक इतना बड़ा मसला है जिसके बारे में राजस्थान का नौजवान उतरी उसका जवाब ईवीएम पे उसका बटन सरकार के खिलाफ दबेगा, आज भी वो उसी तरीके से उतरी। तीसरा बड़ा मसला है जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा उसका हनुमानगढ़ से भी कंसर्न। राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश की इमेज थी पूरी दुनिया में, लोग पर्यटन के लिए आते थे, रिहायश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, लेकिन राजस्थान की आज वानगी यह है कि राजस्थान देश का सर्वाधिक अपराध ग्रस्त राज्य हो गया। मैंने जयपुर की सड़कों पर कभी सरेआम किसी को घोड़े से मरते हुए नहीं देखा, कभी किसी पुलिस अधिकारी को इस तरीके से सरेआम लज्जित और बल्कि मौत के घाट उतरते नहीं देखा। और एक लंबी फहरिस्त है पर मेरे पास उसका प्रमाण यह है कि 10,92,000 ये मुकदमे 54 महीनों में, जिसका मोटा मोटा आंकड़ा 6,000 उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं के प्रति होती है, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, पिछले दिन का 28 दिन का आंकड़ा था 164 दुष्कर्म की घटनाएं। ऐसा कभी आपने सुना कि किसी बच्ची के साथ नाबालिग को रेप कर दे उसको जिंदा भट्टी में डाल दे। एक जयपुर का ही वाक्या था, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे किसी एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगती है और उसके साथ बलात्कार होता है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं, लेकिन कानून व्यवस्था ये हनुमानगढ़ में भी चुनौती है, ये पूरे राजस्थान में, राजस्थान की जो हमारी एक शान थी, हमारी जो साख थी उस पर भट्टा लगा। एक बहुत बड़ा मसला जिसके बारे में सड़कों पर तो उद्वेलन नहीं होता लेकिन लोगों में उसकी आग और चर्चा जरूर है, करप्शन भ्रष्टाचार। दो संस्थाएं हैं, करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया, इसने ये पुष्ट किया कि राजस्थान में अलग अलग सैंपल उन्होंने किया और कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसा प्रदेश है तो राजस्थान। अब उसकी वानगी है कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के किसी कमरे में नकदी और सोना मिल जाए तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। करप्शन के मामले में एक नहीं, कोई महकमा बचा नहीं जिसमें करप्शन नहीं हुआ। मैं किसी एक भी महकमे को उदाहरण के तौर पर दूं कि चूहा किसी मरीज को किसी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अस्पताल में पैर गुजर जाए, राजधानी में कोई नवजात को कोई कुत्ता नोच जाए, ऐसे अनेकों उदाहरण। राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर हो गया, शिक्षा के मामले में घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन आज भी किसी कॉलेज में कोई लैब असिस्टेंट उस कॉलेज का एकमात्र अधिकारी मिलेगा जो कॉलेज चलाता हो, गवर्नमेंट कॉलेज, जो दरियों पर बच्चे पीजी के बच्चे बैठने पर मजबूर है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भी राजस्थान का हाल बेहाल है और इस नाते हम सब लोगों ने इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में इन सब मुद्दों को मजबूती से हम लोगों ने जनता के बीच में रखा है और यही मुद्दे मेरी नजर में, पार्टी की नजर में सत्ता के बदलाव का एक बड़ा कारण बनेगी। यह परिवर्तन यात्रा जो लोगों तक स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इन प्रादेशिक मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, राजसी के प्रताप में लोग मंगड़ आए हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।